हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्क्विड गेम सीरीज का थर्ड एपिसोड है। अगर आपने पहले दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक शो हो रही है, आप उस पर क्लिक करके पहले उन एपिसोड्स को देख लें। दोनों एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। थर्ड एपिसोड उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है जहाँ हैंग सियोंग की गाड़ी का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो एक पोर्ट तक पहुँचता है जहाँ ढेर सारी गाड़ियाँ एक शिप में लोड हो रही थी। सियोंग की गाड़ी वेटिंग में थी इसलिए वो रुक जाती है। गाड़ी के रुकते ही हैंग अपनी कार से निकलकर सियोंग की गाड़ी के नीचे आ जाता है और उसके थ्रू शिप में चला जाता है। फिर हैंग गाड़ी के नीचे से निकलकर बाहर आता है। देन सीनियर से ऑर्डर मिलते ही सारे ड्राइवर अपनी गाड़ी से निकलते हैं और प्लेयर्स की जांच करना स्टार्ट करते हैं। तभी हैंग सियोंग के पीछे वाली सीट पर जाकर आंख बंद करके बैठ जाता है। ड्राइवर्स के पास एक ऐसा डिवाइस था जिससे वो ये पता लगा सकते थे कि जो पर्सन यहाँ आया है वो सही है या नहीं, उसकी जगह कोई और तो नहीं आ गया। सियोंग की गाड़ी वाला ड्राइवर उस डिवाइस से सब कुछ चेक करता है तो डिवाइस अपने आप बताता जाता है कि ये कौन से नंबर का प्लेयर है, लेकिन हैंग को वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। वो ड्राइवर कुछ एक्शन लेता तब तक हैंग उसे दबोचकर मार देता है और खुद उसके कपड़े पहन लेता है। और सारे ड्राइवर्स के जाने के बाद वो गाड़ी से निकलकर उसकी बॉडी पर अपना आइडेंटिटी कार्ड रखकर उसे पानी में फेंक देता है। देन हमें पता चलता है सर्कल वाले वर्कर लोएस्ट पोजीशन पर है, देन आते हैं ट्रायंगल वाले और फिर स्क्वायर। और जब तक सीनियर न कहे जूनियर उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देगा, ये यहाँ का रूल है। अब आइसलैंड पहुँचने के बाद सारी गाड़ी अनलोड होती है और सभी प्लेयर्स को स्ट्रेचर पर लिटाकर एक हॉल में लाया जाता है जहाँ उनके कपड़े चेंज किए जाते हैं और उनकी बॉडी के सारे सामान को एक बॉक्स में रख दिया जाता है। सिब्योक अभी होश में है। कपड़े उतारते वक्त वो अपना नाइफ चेकर की पॉकेट में डाल देती है और दूसरे कपड़े पहनाते वक्त निकाल लेती है। देन सभी प्लेयर्स की आंख उसी हॉल में खुलती है और सियोंग अंकल को देखकर खुश होता है और कहता है मुझे लगा आप निकल लिए। तो अंकल कहते हैं मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तभी वहाँ सांगवू और अली भी आ जाते हैं। सियोंग सबको देख बड़ा खुश होता है और कहता है ऐसा लगता है हमारी टीम बन गई है, अब हम मिलकर खेलेंगे। सांगवू कहता है हाँ जरूर। स्क्वायर वाला लीडर फ्रंटमैन को रिपोर्ट करता है कि 201 प्लेयर में से 187 ही वापस आए हैं। 14 लोगों के ना आने की वजह से उनकी प्राइज मनी भी $25.5 बिलियन में ऐड हो जाती है और अब वो हो जाते हैं $26.9 बिलियन। फ्रंटमैन कहता है जो नहीं आए उन पर नजर रखे रहना। फिर सभी प्लेयर्स को काफी अच्छा और भरपेट खाना दिया जाता है। फिर नाइट होते ही सर्कल वाले सारे वर्कर सोने जाते हैं। हैंग ने जिसको मारा था उसकी ड्रेस में 29 नंबर की थी। इससे पता चलता है कि ये 29 नंबर वर्कर है और वो अपने 29 नंबर वाले रूम तक जाता है पर हैंग रूम का डोर एकदम से अनलॉक नहीं कर पाता जिससे 28 नंबर वाले वर्कर को उस पर डाउट हो जाता है। फिर सभी अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में भी सीसीटीवी लगा था इस वजह से हैंग सीसीटीवी की तरफ बैक करके खाना खाता है। इधर मिनियू टॉयलेट जाने के लिए चिल्लाने लगती है पर कोई नहीं सुनता, लेकिन जब वो वहीं करने बैठ जाती है तो ट्रायंगल वाला वर्कर गेट ओपन करता है। गेट ओपन होते ही सिब्योक भी वहां आ जाती है। वॉशरूम में जाते ही मिनियो अपने मेन पार्ट में से एक बॉक्स निकालती है जो कि वो छुपा कर लाई थी और उस बॉक्स में कुछ सिगरेट्स और लाइटर था। देन वो स्मोक करती है तभी सेम वॉशरूम में सिब्योक भी आ जाती है और अपने नाइफ से डक्ट ओपन करने लगती है। मिनियो कहती है तुम क्या कर रही हो, तो सिब्योक कहती है मैं बस घूम कर देख रही हूँ, शायद कल के खेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ मिलता है तो तुझे भी बताऊंगी, बस तू उनका ध्यान भटकाना। फिर सिव्योक डक्ट के थ्रू जाती है और देखती है किचन में काफी सारे बड़े बड़े बर्तनों में शक्कर को घोला जा रहा है। इधर मिनियो उनका ध्यान भटकाती है पर देर होने के कारण ट्रायंगल वर्कर अंदर आ जाता है पर उससे पहले सिव्योक वापस आ जाती है। इधर हैंग के रूम में अनाउंस होता है कि सोने का वक्त हो गया है, लाइट ऑफ हो रही है। लाइट ऑफ होते ही वो अपना मोबाइल निकालता है और काफी सारे मैसेजेस टाइप करके रखता है। उसने कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी थी पर यह नेटवर्क नहीं थे इसलिए वो किसी को सेंड नहीं की जा सकती थी। देन हॉल में सांगवू मिनियो और सिव्योक की बातचीत सुनता है। मिनियो पूछती है तूने क्या देखा, सिव्योक कल बताने का कहकर चली जाती है। देन मॉर्निंग में सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। इधर मिनियो सिव्योक से फिर पूछती है तो सिव्योक बताती है कि शायद वो लोग बड़े से कंटेनर्स में चीनी घोल रहे थे। फिर दिखाते हैं एक प्लेयर जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो ब्रेड को चुन चुन कर खा रहा था, फिर उसमें पर्ची निकलती है जैसे उसे पता था कि उसमें कुछ निकलने वाला है। उस पर्ची में क्या लिखा था ये हमें नहीं दिखाया जाता। तभी सर्कल वाले वर्कर्स की शिफ्ट स्टार्ट होती है और इधर गेम स्टार्ट होने वाला था।
सभी गेम जोन में जाने लगते हैं और तभी सांगवू सिव्योक से पूछता है, बताओ तुमने कल क्या देखा, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो सिव्योक उसे बता देती है और फिर सांगवू को ध्यान आता है कि बचपन में शक्कर को पिघलाकर उसको हार्ड करके उस पर सेब बनाए जाते थे। फिर सभी प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं, वहां चार सेब बने हुए थे, सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। और अनाउंस होता है कि सभी प्लेयर अपने अकॉर्डिंग कोई एक सेब चुन लें और वहां जाकर लाइन बना लें। सियोंग सांगवू से कहता है, हम एक टीम में जाते हैं और खेलते हैं। सांगवू कहता है, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, सभी अलग अलग सेब चुनेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सियोंग उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। सांगवू ट्रायंगल चूज करता है और अली सर्कल को। देन सियोंग अंकल से चूज करने को कहता है तो अंकल कहते हैं, नहीं पहले तुम चूज करो। तो सियोंग अम्ब्रेला चूज करता है। उसके अम्ब्रेला चूज करते ही सांगवू थोड़ा घबराया सा दिखता है। अंकल भी फिर स्टार ले लेते हैं। सांगवू सियोंग को रोकता भी है पर फिर कुछ नहीं कहता। फिर सब अपने चूज किए सेप में आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। सबको एक बॉक्स दिया जाता है, देन वही प्लेयर को दिखाते हैं जिसको स्लिप मिली थी, उसमें लिखा था ट्रायंगल चूज करना। और बॉक्स ओपन करने पर उसमें शक्कर की चिक्की रखी थी जिसमें पहले से सेप बना हुआ था। उसी सेप को इस नीडल की हेल्प से 10 मिनट के अंदर सही सलामत बाहर निकालना था। सिब्योक ने भी ट्रायंगल लिया था सांगवू को देखकर। अब सियोंग जब अपना बॉक्स ओपन करता है उसमें अम्ब्रेला का डिजाइन दिखकर कहता है, मेरे तो लग गए। टाइम स्टार्ट होता है और सभी सेप को सही सलामत निकालने में लग जाते हैं। सांगवू बड़ी स्पीड से इस टास्क को किए जा रहा है। अली भी सर्कल के टुकड़े टुकड़े करके निकालने की कोशिश कर रहा है। अंकल के तो हाथ ही कांप रहे हैं निकालते वक्त और सियोंग की तो हालत खराब हो रखी है। वो जल्दी जल्दी उसे नीडल से गोदने में लगा हुआ है पर फिर भी अभी कुछ नहीं हो पाया। इतनी टेंस सिचुएशन में भी सियोंग की सिचुएशन आपके फेस पर थोड़ा हंसी लेकर आएगी। हर प्लेयर के पास एक गनमैन खड़ा हुआ है। प्लेयर नंबर 369 ने अम्ब्रेला चूज किया था और निकालते वक्त वो टूट जाता है। इससे पहले वो कुछ कहता एक गनमैन उसे सीधे हेडशॉट देता है और पूरे प्लेग्राउंड में एकदम से लोग हिल जाते हैं। और इस चक्कर में कुछ प्लेयर्स के सेब भी टूट जाते हैं और उन सभी प्लेयर्स को भी गन से उड़ा दिया जाता है। फिर हमें मिनियों को दिखाते हैं जो कि एक झूले के नीचे बैठकर सेप निकाल रही है पर वो लाइटर की हेल्प से नीडल को गर्म कर इजली सेप को निकाल रही है। प्लेयर 111 यानी वही जिसको स्लिप मिली थी अपने सेप को निकाल लेता है और पास हो जाता है। इधर सिव्योक और अली भी अपने अपने सेप को निकाल कर पास हो जाते हैं। जो पास हो गए हैं उन्हें गेम हॉल से बाहर जाने को कहा जाता है पर प्लेयर नंबर 111 को ट्रायंगल वाला हिंट करता है कहीं और जाने के लिए और वहां से दूसरा ट्रायंगल वाला उसे कहीं और ले जाता है। और जो वर्कर्स सीसीटीवी पर बैठे हुए थे उनमें से एक इसी पर नजर रखा हुआ था और वो ये सारी एक्टिविटीज को सीसीटीवी रिकॉर्ड से हाल के हाल डिलीट करता जाता है। इधर हैंग प्लेयर्स के पास जाता है अपने भाई को ढूंढने पर पीछे से उसका सीनियर आकर पूछता है, प्लेयर नंबर 29 आज तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? तो हैंग कहता है, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। सीनियर कहता है, खेल खत्म होने तक यहीं रहो, हम इस पर बाद में बात करेंगे। 3 मिनट बचे हैं और सांगवू भी जीत चुका है। सियोंग अब डर से पसीना पसीना हो रहा है और उसका पसीना चिक्की पर गिरने लगता है। देन वो चिक्की को लाइट की तरफ करके देखता है और फिर उसे चाटना स्टार्ट कर देता है। चाटने से जो आउटलाइन पहले हमें कम दिख रही थी वो अब ज्यादा दिखने लगती है। फिर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो चाटना कंटिन्यू रखता है। इधर मिनियो भी लाइटर की हेल्प से पूरा सेप निकाल लेती है और जाते टाइम चुपके से डॉक्सू को लाइटर दे देती है। डॉक्सू भी लाइटर की हेल्प से सेप निकालने लगता है। अब बस 1 मिनट बचा है और सियोंग को देख देख के बाकी लोग भी अपने सेप को चाटने लगते हैं। अंकल भी सियोंग की कॉपी करने लगते हैं। इधर डॉक्सू भी पास हो जाता है और अब बस 30 सेकंड बचे हैं। अंकल भी फाइनली जीत जाते हैं। नाउ 10 सेकंड बचे हैं और सियोंग बस उसे लिक करने में लगा हुआ है और जिस सियोंग का सेप जरा भी नहीं निकला था लिकिंग की वजह से पूरा का पूरा सेप एक साथ बाहर निकलता है और टाइम भी खत्म हो जाता है। जीते हुए प्लेयर्स अपना सेप गनमैन को दिखाकर हॉल से बाहर जाने लगते हैं और बचे हुए को मारने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ऐसे ही जब एक गनमैन एक प्लेयर को मारने वाला था तो अचानक से वो प्लेयर उस गनमैन के मास्क में नीडल को घुसाकर उसकी गन छुड़ा लेता है और पास खड़े स्क्वायर वाले लीडर को गोली मारता है और फिर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है। बाकी प्लेयर जो फेल हुए हैं मरने से बचने के लिए वो उसका साथ दें इससे पहले सबको गोलियों से भून दिया जाता है। इधर ये प्लेयर उस लीडर को फोर्स करता है कि अपना मास्क उतारे। जब वो मास्क उतारता है तो प्लेयर कहता है, तुम तो बस एक बच्चे हो, तुम्हारी उम्र का बेटा है मेरा, और वो प्लेयर खुद को गोली मार लेता है। तब तक यह फ्रंटमैन आकर उस लीडर को भी मार देता है और कहता है, अगर तुम में से किसी का भी फेस एक्सपोज हुआ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और फिर हमें दिखाते हैं ये वही स्क्वायर वाला लीडर था जिसने हैंग को पकड़ लिया था
और बाद में मिलने को कहा था, इस वजह से हैंक बच जाता है और थर्ड एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। जल्दी ही फोर्थ एपिसोड भी आएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे वीडियो आते ही आपको पता चल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ एपिसोड के साथ। बाय बाय।